हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अमाइंस को कंप्लीट कर लिया था, आइसोनाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, और हमने साथ साथ नाइट्रो कंपाउंड को भी कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों एनिलीन। एक्चुअली में आपका एनिलीन होता क्या है बच्चों, ये समझने वाली बात है। एनिलीन आपका क्या होता है बच्चों? देखो, बेंजीन बेंजीन अगर बेटा आपके NH2 ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एनिलीन। ठीक है बच्चों, बेंजीन जब NH2 ग्रुप से जुड़ा रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एनिलीन। नाउ अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पर इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन, एनिलीन का प्रिपरेशन मेथड बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला इसका जो प्रिपरेशन मेथड होता है बच्चों, बाय रिडक्शन। रिडक्शन के थ्रू हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे एनिलीन, वो एनिलीन को देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। देखो, अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दिया, क्या करा दिया बच्चों? अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दिया, और वो किस किस के प्रेजेंस में बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराता हूँ तो सबसे पहले मुझको क्या मिलता है? एनिलीन मिलता है। सबसे पहले मुझको क्या मिलता है? एनिलीन मिलता है। किसके प्रेजेंस में? निकल और H2 के प्रेजेंस में। ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर NH4 SH के प्रेजेंस में, या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ NH4 SH के प्रेजेंस में। इन तीनों के प्रेजेंस में अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराता हूं तो आपको एनिलीन मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैंने यहाँ पर बात कर लिया इन एसिडिक मीडियम, देखो एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे बच्चों? अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन का कराया, देखो ये सारे एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम के, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल भी आपके एसिडिक मीडियम के। तो देखो, NO2 का रिडक्शन कराया मैंने किसके प्रेजेंस में बच्चों? यहाँ पर ZnHCl के प्रेजेंस में, ZnHCl के प्रेजेंस में। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीन में। मतलब आपको मीडियम ध्यान रखना है, मीडियम कौन सा होगा। ठीक है, अगर मैंने बात किया यहाँ पर इन न्यूट्रल मीडियम, अगर मैंने न्यूट्रल मीडियम की बात कर ली तो बच्चों बहुत ही अच्छा है कंडीशन है। अगर मैंने न्यूट्रल मीडियम की बात की तो यहाँ पर NO2, यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में ZnNH4Cl मैंने ले लिया। क्या ले लिया? ZnNH4Cl। अब इससे जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा हमारा वो क्या हो सकता है बच्चों? इससे जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा हमारा यहाँ पर NHOH, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। देन आफ्टर इसका मैं अगर टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में, अब देखो टोलेंस रिएजेंट एक्चुअली में आपका करता क्या है? ऑक्सीडाइज करता है। अगर मैं इसका टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में कराऊंगा तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा बच्चों? ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आपको। रिडक्शन की रिएक्शन आपको थोड़ी सी मगअप करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अगर एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, बस आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है, बस उतना ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन खास तौर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डायबेल एच हो गया, या फिर आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट हो गया बच्चों, वो सब तो आपको विविध मैकेनिज्म दे ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बार इसको देख लेना है कि किस तरीके से हो रहा है बच्चों। बस इन बेसिक मीडियम, अगर मैंने बेसिक मीडियम में रिडक्शन करा दिया, बेसिक मीडियम को हम क्या बोलेंगे? देखो अगर मैंने NO2 का रिडक्शन बेसिक मीडियम में, देखो ZnNH NaOH क्या है बच्चों? हमारा बेसिक मीडियम है। जैसे ही मैंने इसका रिडक्शन बेसिक मीडियम में कराया तो ये आपका क्या बना लेगा बच्चों? इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा।
तो थोड़ा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन सा मीडियम कब आएगा। ये हालांकि ये आपको अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में ये प्रोडक्ट बनेगा, बेसिक मीडियम में ये बनेगा, और सॉरी न्यूट्रल मीडियम में ये बनेगा और बेसिक मीडियम में ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा अभी इसको ध्यान में रखो, अभी तक इसके बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन बस इसको हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट तो आपका ये है, ठीक है, इसको तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन दोनों को। ठीक है, नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। कौन सा है बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड? बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। अगर मैं बात करूं कर्टियस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बच्चों? कर्टियस रिएक्शन। अब ये आपका यहां पर आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, रिएक्शन का, कर्टियस रिएक्शन का आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों। एक और बार हम लोग मैकेनिज्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहां पर जैसे पीएचए सीओए NH2 है। ठीक है, ये मैंने बना दिया बेंजेमाइड, ये मैंने क्या बना दिया? बेंजेमाइड। अब देखो बेंजेमाइड मैंने बना दिया, अब बेंजेमाइड की रिएक्शन अगर मैंने NaNO3 सेकेंड हीट, थर्ड मैंने एक्वस Ag2O या फिर कुछ भी मैंने ले लिया एक्वस मीडियम, मतलब H2O मीडियम, एक्वस NaOH भी ले सकता हूँ, जो भी होगा वो हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक्वस NaOH मैंने ले लिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा, पहला स्टेप आप लोग जानते हो, स्टेप फर्स्ट में देखो यहाँ पर CONH2, ठीक है, अब यहाँ पर NaN3 है, NaN3 को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो किस तरीके से होगा? N-डबल बॉन्ड N+डबल बॉन्ड N-, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा आपका। जब ये बॉन्ड अगर आपका ऊपर खुला तो यहां पर क्या होगा बच्चों, आपको सारे रिएक्शन आपको मैकेनिज्म वाइज याद होने चाहिए बच्चों, काफी अच्छे होते हैं मैकेनिज्म। अगर आपको ध्यान है तो आप यहां पर आपका बेंजेमाइड नहीं, यहां पर आपका सीएल कर लो बच्चों, सीएल कर लो, सीएल के साथ दिखाता है। ठीक है, सीएल के साथ कर्टियस रिएक्शन, देखो यहां पर सीएल कर दिया। नाउ अब देखो ये आपका एन डबल बॉन्ड N+N-। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा। जब ये वाला बॉन्ड अगर आपका बाहर खुलेगा तो आपको क्या बनेगा बच्चों? PHCO, यहां पर एन डबल बॉन्ड N+डबल बॉन्ड N-। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा, ठीक है, और ये आपका ऊपर खुलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? देखो PHCO-डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड N, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नाउ जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। जब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा तो आपको यहां पर आपका इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया N2 गैस। ठीक है भाई बच्चों, हम इसको पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई कोई उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये आपका इधर अटैक करेगा ये यहां से रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट में करवाया करता था बच्चों, तो यहां पर क्या बनेगा? पीएच के पास कौन आएगा? पीएच एन के पास जाएगा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से होगा। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया NaOH के प्रेजेंस में, तो यहां पर आप लोग जानते हो कि पीएच। अब देखो H2O का ये जाएगा न्यूक्लियोफाइल इधर और ये यहाँ से चला जाएगा, तो इस तरीके से अटैक होगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका पीएच NH2 और साथ में कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी? CO2 गैस। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को डील कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइम्स कराएंगे क्योंकि दो बॉन्ड है ना, टू टाइम्स। अगर आप H+ देखो यहाँ पर सिंपल समझेंगे, H+ यहाँ जोड़ा, H+ यहाँ जोड़ो, OH यहाँ जोड़ो, H+ यहाँ जोड़ो, वो OH को यहाँ जोड़ो, तो क्या आ जाएगा? PHNH2 और यहाँ पर दो OH, एक कार्बन पे दो OH आपका अनस्टेबल होता है,
जैसे ही मैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो ये अपने आप आपका CO2 बन जाएगा ना, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 का भी फॉर्मेशन कर सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो Na2CO3 का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको Curtius रिएक्शन बताया था। अभी देखो, अभी फिर से आपका रिपीट होगा Hoffman-Bromamide रिएक्शन, तो उसको थोड़ा सा एक और बार ध्यान से समझना। Hoffman-Bromamide रिएक्शन एक बार आप खुद उसका मतलब एक बार आप खुद से एक बार कोशिश करो Hoffman-Bromamide रिएक्शन कराने का। Hoffman-Bromamide रिएक्शन बाय Hoffman-Bromamide रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर मैंने अमाइड ग्रुप लिया, ठीक है, अमाइड ग्रुप लिया और यहां पर Br2 और NaOH। ये रिएक्शन बेटा आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से एक बार कोशिश करो कि किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से करके देखो कि Hoffman-Bromamide रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। नाउ मैं अब आपको बताता हूँ कि आप पहले खुद से करो, फिर बाद में इसको देखना कि क्या मेरा सही है या गलत है, क्योंकि मैंने रिएक्शन आपको करवा रखी है। तो आप एक बार खुद से करो, फिर आप देखो कि क्या मेरा सही है या गलत है। नाउ इसकी मैकेनिज्म क्या होगी बच्चों, RCONHH और यहां पर Br के पास अटैक कर जाएगा, ये Br के पास अटैक कर गया। नाउ यहां पर RCONHBr बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैंने इसका रिएक्शन यहां पर NaOH के साथ करा दिया तो नाउ यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, RCO यहां पर आपका HBr बाहर एलिमिनेट होगा और यहां पर आपका नाइट्रिन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अब ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और यहां से आपका सिंपल मॉलिक्यूल क्या होगा, रीअरेंज होगा। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रीअरेंज होकर यहां जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, वही चीज वापस रिपीट हुई है बच्चों। देखो ये आपका बन गया। नाउ अब मैं इसका NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, NaOH और H2O के प्रेजेंस में एक्वस लिख दो, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, सिंपल समझो, NaOH के प्रेजेंस में अगर मैंने रिएक्शन कराया तो आपका क्या बनेगा, वही पुराना वाला कंसेप्ट आप लो, पुराने वाले कंसेप्ट के हिसाब से यहां पर किसका क्या बच्चों, आर था ना, आर की जगह इसको पीएच भी कर सकते हो, आर की जगह इसको क्या कर लो बच्चों, पीएच, आर की जगह इसको क्या कर लो बच्चों, पीएच। अगर पीएच के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमारा एनिलीन बनेगा, तो इसको अगर मैंने पीएच के प्रेजेंस में कराया तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहां पर हमारा PHNH2, ठीक है, और साथ में हमारा CO2 निकलेगा जो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Na2CO3। ये हमारा बन चुका है एनिलीन, ये हमारा क्या बन चुका है बच्चों, एनिलीन बन चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा Hoffman-Bromamide रिएक्शन, सिमिलर प्रोसेस है बच्चों। अब आपको मैक्सिमम सिमिलर प्रोसेस दिखेगा, तो आई होप कि आप लोगों का सबका सही होगा, अगर आपने खुद से क्या होगा तो सबका सही होगा। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, Schmidt रिएक्शन। तो फोर्थ देखते हैं बच्चों, फोर्थ वन Schmidt रिएक्शन। अब देखो Schmidt रिएक्शन क्या होता है बच्चों, काफी सिंपल है, अगर एक दो बार ध्यान से रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप खुद से आप इन्हें रिएक्शन को करो। देखो Schmidt रिएक्शन में क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते थे तो अमाइन बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते थे तो अमाइन बनता था। अब केटोन का और एल्डिहाइड का करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा सा आप देखो उसको, पुराने जो रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने कराया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एनिलीन बनाते वक्त Schmidt का कराया था, Schmidt का रिएक्शन मैंने कीटोन के साथ भी करवाया था आपको, एल्डिहाइड के साथ भी करवाया था। अगर मैंने कीटोन के साथ कराया था तो कीटोन के साथ क्या, कीटोन के साथ अलग प्रोडक्ट बनता था, लेकिन मैंने अगर एल्डिहाइड के साथ कराया था तो एल्डिहाइड के साथ आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता था बच्चों, एल्डिहाइड के साथ आपका नाइट्राइल प्रोडक्ट बनता था। थोड़ा ध्यान से देखो उसको फटाफट, उसको थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों उसको।
अब देखो शिमिट रिएक्शन में क्या होता है, खास बात समझना। यहां पर मैंने PHCOH मतलब मैंने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराई। मैंने किसकी रिएक्शन कराई? बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, शिमिट रिएक्शन। अब देखो शिमिट रिएक्शन में मैं क्या लूंगा बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड। क्या लेता हूँ? हाइड्रोजोइक एसिड और एक्वस NaOH, और यहाँ पर हीट, यहाँ पर Ag2O भी लिख सकते हो। एक्वस एक्वस Ag2O भी आपका सोर्स ऑफ OH माइनस H2O होता है, सोर्स ऑफ वाटर होता है। नाउ अब देखो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले शिमिट रिएक्शन में जैसे ही मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, देखो यहाँ पर PHCOOH ये एसिड है, एसिड अपना H प्लस इसको देगा, जैसे ही H प्लस इसको दिया तो OH2 प्लस में कन्वर्ट हुआ। नाउ ये आपका बाहर निकलेगा तो यहां से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, असाइलिनियम आयन। यहां से आपका क्या बन गया? असाइलिनियम आयन, असाइलिनियम आयन बन जाएगा। अब यहां से आपका असाइलिनियम आयन बन गया तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। अब इस असाइलिनियम आयन पे कौन अटैक करेगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो देखो यहां पर N3 कैसा होगा, N माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये आपका प्लस। अब ये आपका यहां अटैक करेगा, ठीक है, अब ये आपका यहां अटैक करेगा। इसको ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो चलेगा। अब ये आपका यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, PHC डबल बॉन्ड ओ N डबल बॉन्ड N प्लस और डबल बॉन्ड N माइनस, ये आपका बन गया असाइलिनियम आयन। असाइलिनियम आयन के साथ मैंने इसको अटैच करा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, ये आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर PHCO- डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों मैंने पहले मैकेनिज्म कुछ और तरीके से बताया था, अभी मैं कुछ और तरीके से बताता हूँ। मैकेनिज्म लिखने का अप्रोच कैसा भी हो सकता है बच्चों, लेकिन हमको मैकेनिज्म एक ही तरीके से सिमिलरली वे में लिखना होता है। जैसे ही मैं अगर इसको मैं हीट वो हीट दूंगा तो हीट देने पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहां से N2 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये आपका रियरेंज होकर यहाँ जाएगा, तो फिर से आप लोग देख सकते हो कि आपका क्या बना है, फिर से आप लोग देख सकते हो आपका क्या बना है बच्चों, वही कंपाउंड बना है जो अभी लास्ट के तीन रिएक्शन में बने, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैंने इसका एक्वस Ag2O में रिएक्शन कराया तो ये अपने आप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PHNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एनिलीन। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एनिलीन। इस तरीके से आपका यहाँ पर एनिलीन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कीटोन के केस में शिमिड अलग होता है, और कीटोन के केस में शिमिड का रिएक्शन अलग होगा और आपके एल्डिहाइड के केस में अलग होगा, जो कि मैंने करवा रखा है। तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, तो उसको कर लेना, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप लोगों को मैकेनिज्म याद रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको मैकेनिज्म याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया, यहाँ पर एक्वस Ag2O लिख लो, ठीक है। एक तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सेकंड आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि इसकी रिएक्शन आपको बेंजल्डिहाइड के साथ करानी है, बेंजल्डिहाइड के साथ कराएंगे शिमिट रिएक्शन। और ये ध्यान रखना, IIT में सबसे मैक्सिमम पूछी जाने वाला नेम रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और रही बात की, अभी तो आपका पेपर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में होने वाला है, तो ये बात मान के चलो कि ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपकी कोई भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, अब तो आपकी सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में होने की वजह से वो सिमिलरली कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा। जब वो सिमिलरली कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा तो वो आपका आएगा आएगा। लेकिन अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन जेई के एस्पेक्ट में ऐसा नहीं है, वहां पर डिफरेंट है। तो आपको ये दोनों आपके प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट होगा वो आपको होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नाउ चलते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों, आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस,
आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, अगर मैंने यहां पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आर एन सी का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, देखो ध्यान से समझना, आर एन, ये इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, जब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या बनता था, आर एन एच टू एच सी डबल ओ एच, और ये हाइड्रोलाइसिस हमेशा कौन से मीडियम में होता था बच्चों, मैंने ये भी बताया था, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से अगर मैंने बेंजीन आइसोनाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है बच्चों, ये काफी ज्यादा सिंपल है, अब रिएक्शन ये आपका बन जाएगा, ठीक है, वही है बस आपका एल्काइल, जिसका एल जिसका एनिलीन जिसने दो तीन बार पढ़ चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उसके लिए ये सब अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एनिलीन को आप बार बार पढ़ो, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप को पढ़ो। नेक्स्ट, ये रिएक्शन मैंने आपको, नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं बताने वाला हूँ बच्चों, वो रिएक्शन मैंने आपको कहाँ बताई है, वो रिएक्शन मैंने आपको कहाँ बताई है, वो रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है, आप देख सकते हो, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा बच्चों। इसमें देखो MgBr, ये देखो क्लोराअमाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराअमाइन, आप देखो ये हमारा क्लोराअमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अगर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका कौन सा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे होगा रिएक्शन बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार कोशिश करो, फिर आप लोग आंसर को मैच करना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, अब ये टूटेगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, अब देखो ये आपका कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgBrCl, और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट, यहां पर आपका NH2, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो और भी बच्चों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड है एनिलीन को प्रिपेयर करने के, तो ये मैंने कुछ मेथड यहाँ पर बता दिए हैं एनिलीन को प्रिपेयर करने के। नाउ अब हम बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन को समझेंगे, तो देखते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन हमारा क्या होगा उसको अब हम समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, इसको अब हम समझेंगे बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, सबसे पहला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, देखो अगर मैंने एनिलीन का रिएक्शन, अगर मैंने एनिलीन का रिएक्शन इसके साथ करवा दिया, KMnO4 या फिर K2Cr2O7H+, तो क्या होगा बच्चों बताओ, काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये मैंने आपको बेंजोइक एसिड के प्रिपरेशन में बताया था बच्चों। अगर कोई भी बेंजीन ग्रुप पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ, कौन सा ग्रुप लगाओ, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन आपका बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग विल बी ऑक्सीडाइज, बेंजीन रिंग विल बी ऑक्सीडाइज्ड, आपका बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जैसे ही आपका बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बना लेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट बना लेगा, ये मैंने बताया था। नेक्स्ट बी में देखते बच्चों, बी रिएक्शन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन पर एसिड के साथ करा दिया, किसके साथ, पर एसिड के साथ, तो NH2 ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, NO2 ग्रुप में, ये आपका रिएक्शन था। नाउ यहां पर एक और रिएक्शन हम समझते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में,
कार्बिलामाइन रिएक्शन, या फिर टेस्ट भी बोल सकते हैं। कार्बिलामाइन टेस्ट क्या होता है बच्चों, देखो इसकी मैकेनिज्म मुझे लगता है अब आपको बताने की कोई रिक्वायरमेंट है बच्चों? अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो बता सकते हैं, मैं एक और बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ मैकेनिज्म, आप लोग आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें इंटरमीडिएट आपका क्या बनता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है ना, इंटरमीडिएट। देखो KOH के प्रेजेंस में अगर मैंने HCl, CL, CL अल्फा एलिमिनेशन कराऊंगा, अल्फा एलिमिनेशन कराने पर आपका क्या प्रिपेयर होता है बच्चों, अल्फा एलिमिनेशन कराने पर आपका क्या प्रिपेयर होता है बच्चों, यहाँ पर कार्बिन CCl2। अब ये कार्बिन आपका कहाँ अटैक करेगा, अब यहाँ पर आपको समझना है कि कार्बिन आपका कहाँ अटैक करेगा, तो कार्बिन आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर है, तो कार्बिन आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, ये प्लस ये आपका माइनस CL CL। नेक्स्ट स्टेप में बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, जैसे ही इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से कोई कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका Cl, यहां पर आपका C-Cl-Cl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, आप देखो यहां से आपका Cl बाहर निकलेगा, जैसे ही आपका Cl बाहर निकला, ध्यान से समझना बच्चों, जैसे ही आपका Cl बाहर निकला, यहां से H+ बाहर निकला, अब यहां से आपका Cl बाहर निकलेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाला यहाँ जाएगा और यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड अगर आपको यहाँ गया तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, देखो ध्यान से समझना, N+ डबल बॉन्ड C Cl Cl और यहाँ पर H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl आपका बाहर निकल चुका है, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका N+ H डबल बॉन्ड C- और ये आपका Cl। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में ध्यान से समझने वाली बात ये है कि देखो अब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा और ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन इसको ट्रैप करके ले जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को OH, जैसे ही इस एसिडिक हाइड्रोजन को OH अगर आपका ट्रैप करके ले जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस टाइप से आपका तीन बॉन्ड बनेंगे, इस टाइप से आपके तीन बॉन्ड बनेंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस, अब ये प्लस और माइनस क्या बताना चाह रहा है बच्चों, ये प्लस और माइनस क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पर कोई एक बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये प्लस और माइनस हटा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, प्लस मतलब लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये आपका क्या बन गया, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और जिसका क्या होता है बच्चों, फाउल स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है, तो ये आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप बना लेगा, और साथ में आपका क्या निकालेगा बच्चों, यहाँ पर KCl और यहाँ पर आपका KCl प्रोडक्ट भी निकाल देगा, और यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट निकालेगा बच्चों, ध्यान से देखो कि KCl और AgCl, KCl और H2O, तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनता है बच्चों कार्बिलामीन टेस्ट। मैंने फिर से आपको मैकेनिज्म बता दी, लास्ट लेक्चर के आप लोग मैकेनिज्म भी देख सकते हो, कुछ वहां पर सर्टेन डिफरेंस क्रिएट स्टेप में हो सकता है, लेकिन आपका इसी तरीके से स्टेप आपका होगा वहां पर भी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डिटेल करना है। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं एक और रिएक्शन यहाँ पर, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन थर्ड रिएक्शन, सॉरी वो एनिलीन, अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं क्या होता है बच्चों एनिलीन का अल्काइलेशन कैसे कराएंगे। देखो यहां पर अगर मैंने, आप लोग खुद बताना बच्चों, ये NH2 है, यहां पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करा दिया AlCl3 के प्रेजेंस में, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, लुईस एसिड, और ये आपका क्या है बच्चों,
बेस। अब देखो लुइस एसिड आपका बेस के साथ इंटरैक्ट कर लेगा, इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो ये आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एनिलीन। ये मैंने आपको एरोमेटिक में बताया था बच्चों, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बाद जो मैंने एरोमेटिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था। तो इसी तरीके से आप देखो अल्काइलेशन हो गया। अब देखो अल्काइलेशन फिर होता कैसे, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्काइलेशन कराने के लिए बच्चों आप लोग जानते हो कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करा दिया तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर NCH3, यहाँ पर H और यहाँ पर आपका इस तरीके से अटैक करेगा, यहाँ से आई आई निकल जाएगा, HI। नाउ इसी की रिएक्शन फिर से मैं किसके साथ करा दूंगा बच्चों, इसकी रिएक्शन फिर से मैंने CH3I के साथ करा दिया, तो ये अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा और ये आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका CH3N CH3। फिर अगर मैंने इसका फिर से रिएक्शन कराया अल्काइल हैलाइड के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर ये यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। इसके बारे में आप लोग जानते हो, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अल्काइलेशन करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको अल्काइलेशन मैकेनिज्म को डील करना है। तो सिमिलरली आप लोग असाइलेशन करके देखो एक बार, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो बच्चों अब हम इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा बच्चों, असाइलेशन ऑफ एनिलीन। तो देखते हैं असाइलेशन ऑफ एनिलीन हमारा क्या होगा। देखो ये मैंने आपको बताया हुआ है असाइलेशन ऑफ एनिलीन, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी एनिलीन। एनिलीन का असाइलेशन हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये NH2 है, अगर इसकी रिएक्शन अगर मैंने CH3COCl के साथ करा दिया, ठीक है, यहां पर अगर AlCl3 के प्रेजेंस में होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं देगा, फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा, ये आपका फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये आपका इसके साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एसिड है, ये आपका क्या है, बेस है। अब हम समझते हैं बच्चों असाइलेशन में एक और कंसेप्ट। देखो असाइलेशन में एक और कंसेप्ट को समझते हैं कि असाइलेशन होगा तो कैसे होगा, बिना उसी के प्रेजेंस में बच्चों हो जाता है असाइलेशन। अब देखो देखो यहाँ पर NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3COCl। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इस पर और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर CH3C, यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारा किसने, नाइट्रोजन ने, तो यहाँ पर नाइट्रोजन NH H, ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा O- और Cl। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो आपका क्या बना लेगा, CH3CO NH, और ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, ये आपका असाइलेशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि असाइलेशन हम इस तरीके से कराते हैं। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। अब देखो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, फिफ्थ ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। अब ये बच्चों आप में से काफी बच्चों को आता होगा कि किस तरीके से, बिल्कुल फिनोल वाला कंसेप्ट है, फिनोल वाला बिल्कुल कंसेप्ट है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन क्या करेंगे बच्चों, देखो ये आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। अगर मैं एनिलीन का Br2 और H2O मीडिया में रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा यहाँ पर ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे मुझे यहाँ पर, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप एज NH2,
NH2 आपका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब मुझे अगर मोनोब्रोमिनेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट निकालना है, इफ वी ऑब्टेन मोनोब्रोमिनेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देन हमको क्या करना पड़ेगा, देन हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिवेटिंग है, किसी भी करके इसको मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं, देखो किसी भी करके मैं इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं। देखो यहां पर CH3CO, CO, CH3 के साथ मतलब असाइलेशन वाला ही फिनोमिना है, असाइलेशन वाला ही फिनोमिना है इसकी रिएक्शन पिरिडीन के प्रेजेंस में। देखो अब ये क्या करेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आप लोग खुद से करना, असाइलेशन वाला फिनोमिना है और यहां से आपका क्या रिमूव होगा, CH3, यहां से आपका ये वाला कंपाउंड आपका रिमूव होगा, आप लोग खुद ही इसका मैकेनिज्म लिखोगे बच्चों, मैंने काफी बता दिया है, एक बार आप लोग खुद ले लिखने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, नाउ अब ये रिंग आपका, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था इसको ध्यान से समझना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो केवल बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में और यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में, दोनों साइड कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड कॉन्जुगेशन में है तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसकी एक्टिवेटिंग वो जो पावर है इसको मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब डिक्रीज करते ही जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बना देगा, मेजर प्रोडक्ट, और यहां पर क्या आ जाएगा, NHCOCH3। अब फिर से मुझे एनिलीन ही ऑब्टेन करना है ना यहां पर, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, क्या करा दूंगा, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहां से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, CH3COOH बाहर निकल जाएगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो मोनोब्रोमिनेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिक्स रिएक्शन दे रहे, देखते हैं बच्चों, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, सिक्स रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब देखो एनिलीन का नाइट्रेशन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखो ये मैंने एनिलीन ले लिया, अब इसका नाइट्रेशन अगर मुझे कराना हो HNO3 के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड तो आपका क्या बनेगा बच्चों, आप लोग जानते हो, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से अब आप लोगों को पहचान में आ गया होगा, यहां पर ये भी प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर ये भी प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर ये भी प्रोडक्ट बनेगा और यहां पर ये भी प्रोडक्ट बनेगा, तीनों आपके प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहां पर समझ, यहां पर आपको ये तो समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा बन जाएगा, लेकिन यहां पर ये भी बनेगा, इसका अमाउंट 51% होगा तो इसका अमाउंट 47% और इसका अमाउंट 2% अप्रोक्स, ठीक है, इतना कम कम ये आपका बनेगा। अभी आपका कैसे हुआ इसको समझते हैं बच्चों एक एक करके, यहां तक देखो ये प्रोडक्ट आपका मेजर कैसे बन गया, ऑर्थो से ज्यादा क्यों बना, समझे, तो समझते एक एक करके ध्यान से। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन मैंने HNO3 के साथ कराया था तो यहां पर ये H प्लस था, H प्लस यहां चला जाएगा, जब H प्लस अगर यहां चला जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर NH3+ क्या बन गया, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। अब देखो एनिलीनियम आयन अब क्या करेगा, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, अब यहां पर एनिलीनियम आयन अपने प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले ये यहां पर अब प्लस चार्ज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और एनिलीनियम आयन जब आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो मेटा पोजीशन पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इस पोजीशन में यहां पर आपका मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यहां पर काफी इंटरेस्टिंग केस है ये, ठीक है, तो इस केस में आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है,
देखो जैसे कि आपका एनिलीन का NH2 आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में आपका क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। भाई बच्चों वही मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होता है, वही सब आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है। यहाँ पर आपको तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तीनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, तो इस रिएक्शन को अगर कंट्रोल करना है, देखो यहाँ पर टू कंट्रोल द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन के नाइट्रेशन को मुझे कंट्रोल करना है, तो कैसे करूंगा? सेम आपको इसका पहले असाइलेशन करा लो, वही प्रोसीजर का यूज करो बच्चों। कंट्रोल करने के लिए सिमिलर प्रोसेस होता है बच्चों। ठीक है, NH2 का रिएक्शन अगर मैंने CH3CO एनहाइड्राइड के साथ करा दिया पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या बना लेगा, सबसे पहले वही प्रोसीजर फिर से वही आएगा, यहाँ पर NHCOCH3। नाउ इसकी रिएक्शन अब मैंने HNO3 के साथ करा दिया, जब मैंने HNO3 के साथ करा दिया तो इसकी एक्टिवेटिंग पावर लेस हो गई, जब इसकी एक्टिवेटिंग पावर लेस हो गई तो अब ये यहाँ अटैक करेगा NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप ने अब आपका यहाँ अटैक कर डाला और यहाँ पर आपका NHCOCH3 बन गया। नाउ फर्दर आप लोग जानते हो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर CH3COOH बनेगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका NH2 प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर NO2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंट्रोल करके एक नाइट्रो ग्रुप को भी लगा सकते हैं पैरा पोजीशन पे। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को डील करेंगे बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिक्स रिएक्शन सेवंथ रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का मुझे सल्फोनेशन कराना है, तो सल्फोनेशन कराने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ध्यान से समझना, ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, एसिड हो गया, कौन सा, ट्रेटेड H2SO4 लिया। जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बना लेगा बच्चों, आप लोग जानते हो यहाँ पर NH2HSO4, ये मैंने बताया था सॉल्ट फॉर्मेशन फिनोमिना, मैंने आपको सॉल्ट फॉर्मेशन फिनोमिना बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैंने सॉल्ट फॉर्मेशन फिनोमिना आपको बताया था, ये आपका इस तरीके से होगा, मैंने आपको बताया था ना सॉल्ट फॉर्मेशन फिनोमिना, वही प्रोसीजर होगा। फिर मैं अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका NH2 और यहाँ पर आपका SO3H बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। देखो एसिड और बेस मिलकर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन कई कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अगर ये H अगर आपका इसके पास चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, यहाँ पर NH3+ और यहाँ पर SO3-, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा बच्चों ज्यूटर आयन। क्या नाम होगा इसका बच्चों, ज्यूटर आयन, ये आप जानते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सल्फोनेशन भी करा सकते हैं। IUPAC नेम आपको खुद से लिखने बच्चों, खुद से एक बार कोशिश करो, ये यहाँ पर क्या आएगा IUPAC नेम, फोर अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को डील कर सकते हैं। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से समझना, एट्थ रिएक्शन हॉफमैन मार्टिस रिएक्शन। हॉफमैन मार्टिस रिएक्शन क्या बोलता है बच्चों, देखो ये मैंने एनिलीन के ऊपर यहाँ पर NH और यहाँ पर कोई मेरे पास G ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, G ग्रुप है कोई भी मेरे पास। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCl के प्रेजेंस में कराई तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, NH2 और यहाँ पर आपका G यहाँ रीअरेंज हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये आपका हॉफमैन मार्टिस रिएक्शन होता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनता है बच्चों, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चों यहाँ पर साथ साथ आपका एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम यहाँ पर बेंजीडाइन 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 का
बेंजीडाइन रिएक्शन को हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेंजीडाइन का फॉर्मेशन। अब ध्यान से समझना, देखो क्या होता है कि अगर मैंने इस तरीके से कोई रिएक्शन लिख दी, बच्चों ध्यान से समझना, बच्चों अगर मैंने इस तरीके से कोई रिएक्शन लिख दी, बाई द वे NH NH ये मैंने कोई रिएक्शन लिख दी। अब इसकी रिएक्शन मैंने एसिड के साथ कराई, तो एसिड के साथ कराएंगे तो यहां पर भी NH2+, यहां पर भी क्या आ जाएगा NH2+, यहां पर भी क्या आ जाएगा NH2+। एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका क्या आ गया बच्चों NH2+। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, ये इस तरीके से, ये यहां पर इस तरीके से इसको मैंने हटा दिया। अब देखो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, अब देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा इस तरफ, ठीक है, और यहां पर जो ये वाला बॉन्ड है वो जाएगा इसके पास, ठीक है। इसको इस तरीके से ना बना के इसको इस तरीके से बनाओ, ये आपका जाएगा इसके पास, ठीक है, ये आपका इसके पैरा पोजीशन पे जाएगा। नाउ ये वाला बॉन्ड आपका कहां खुलेगा, इस तरफ, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से, ये इस तरफ खुलेगा तो ये आपका इस तरफ, तो यहां पर आपका ध्यान से देखो तो NH2+ इस तरीके से बन गया, ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। नाउ अब ये इसके पैरा पोजीशन पर अटैक किया तो आपका इस तरीके से यहां पर NH2+ बन गया, बन गया बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है। नाउ अब समझना ध्यान से, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा ना, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ये तरफ जाएगा, ये यहां अटैक करेगा, फिर यहां पर डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से समझना, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसको मैं अलग से बनाता हूं अलग मार्कर से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पर एक अलग हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक अलग हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक अलग हाइड्रोजन होगा। अब यह हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के इसके पास जाएगा, अब ये यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा। नाउ अब आपका क्या बन गया बच्चों, नाउ अब आपका क्या बन गया, यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीडाइन, बेंजीडाइन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है एक दो बार देखोगे तो। लेकिन अगर मैं हॉफमैन मार्टिस रिएक्शन के थ्रू, इसके रिएक्शन के थ्रू देखूंगा तो यहां पर ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आपका जी प्रोडक्ट होगा, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों, जी प्रोडक्ट होगा, इसको जी मान लो। जैसे ही मैंने HCl के प्रेजेंस में, ये भी रिएक्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है बच्चों, ध्यान से समझना, ये आपका जी प्रोडक्ट होगा, जी प्रोडक्ट कौन सा बच्चों, यहां पर तो मैंने H+ का अटैक कराया था, H+ का अटैक कराया था ना यहां पर, अगर H+ का अटैक नहीं कराया था तो ये कैसा था बच्चों, देखो यहां पर ये H+ का अटैक नहीं कराया, H+ का अटैक करा के ये आप इन जी प्रोडक्ट, जी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, जी प्रोडक्ट आपका ये सिंपल आपका कहां जाकर जुड़ जाएगा, नीचे, जैसे जहां से जी टूटा है वहीं से आपका जुड़ जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा NH2NH, ये आपका कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो दोनों आपके प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है बच्चों। तो यहां पर हम बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट को भी हम बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इस रिएक्शन को डील करेंगे, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, और ये आपके टेस्ट में ज्यादा काम आएगा, टेस्ट में ज्यादा काम आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। तो देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से कराएंगे देख लेते हैं बच्चों। ये मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन का ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से कराएंगे बताओ, आई होप कि आप लोगों को याद हो, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। देखो एनिलीन का ऑक्सीडेशन अगर मैंने केमेनोफोर H+ के साथ कराया तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही। लेकिन अगर मैंने इसका रिएक्शन डाइल्यूट केमेनोफोर और H+ के मीडिया में कराया तो यहां पर ब्लैक कलर का डाई बना लेगा, ब्लैक ब्लैक कलर डाई
डाई एनिलीन, ब्लैक डाई ऑफ एनिलीन, एनिलीन का ब्लैक डाई बना लेगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन यहाँ पर ध्यान से समझना, टेस्ट में आपके ये सारे रिएक्शन काम आते हैं, यहाँ पर समझना। अगर मैंने केमेनो फोर की रिएक्शन बेसिक मीडिया में करा दी, कौन सी मीडिया में करा दी बच्चों, बेसिक मीडिया में, तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना, बेसिक मीडिया में मैंने आपको बताया था बेसिक मीडिया में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इसका अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैंने केमेनो फोर का अगर मैंने ऑक्सीडेशन कराया न्यूट्रल मीडियम में, कौन से मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, तो यहाँ पर एजो एजो बेंजीन कंपाउंड बना लेगा। कौन सा कंपाउंड बना लेगा बच्चों, एजो बेंजीन। तो इस तरीके से इसका आपका, इस तरीके से इसका क्या होता है बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, एजो बेंजीन क्या होता है वो आप लोग आगे जाके समझ जाओगे। बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट में एजो बेंजीन निकालना आपको मैं बता दूंगा, ये भी मैं आपके इन दोनों के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बारे में चिंता ना करो, बस आप ध्यान रखो कि कैसा होता है। अगर मैं एक साथ सारी रिएक्शन लिख दूं तो आपको मगअप करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट रिएक्शन ये हो गया नाइन्थ। अब देखो टेंथ रिएक्शन हम समझते हैं बच्चों, एक अच्छा सा रिएक्शन। टेंथ रिएक्शन के बारे में आप लोग जानते हो। अगर देखो बच्चों एनिलीन की रिएक्शन अगर मैंने फोर्जीन के साथ करा दी, तो इसकी मैकेनिज्म आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर एन सी ओ ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा दिया, तो भी आप यहां पर ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। तो यहां पर अगर मैंने NH2 की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दिया, चलो ठीक है, यहां पर NH2 की रिएक्शन अगर मैंने HGO के साथ करा दिया, या फिर HGS की यहां पर सल्फर के साथ करा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर CS2 के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा NC डबल बॉन्ड S। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन को समझ लिया बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।